सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी, चोपड़ा चाचा की भेंट। आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी कि किस तरह मीतू के घर जो भी आता तो लालमन नाम का तोता जो है सबसे बदतमीजी से बोलता था। तो दादी माँ को गुस्सा आ गया, उसने छोटू, रसोईया, माली सबको बुला लिया और उनसे कहा कि इस तोते को कहीं दूर छोड़ाओ। कुछ देर तक लालमन भुनभुनाता रहा। जो लालमन नाम का तोता था उसे भी गुस्सा आ गई। अब उसकी पिंजरे में सोने की आदत छूट गई थी, क्योंकि उसको तो पिंजरे से बाहर निकाल दिया, अब उसकी सोने की आदत ही नहीं रही थी। उसने दरवाजे के खटके पर बार बार चौंच मारी। अचानक पिंजरे का दरवाजा खुल गया, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर गए थे। तो उसने दरवाजे पर खटका किया, बार बार चौंच मारी तो पिंजरे का दरवाजा खुल गया। उल्लू, लालमन खुशी से बाहर निकल गया। यानी उल्लू बोलता हुआ जो तोता था वो खुशी से उस पिंजरे के बाहर निकल गया। सारे घर में अंधेरा था। लालमन थोड़ी देर बरामदे में ही इधर उधर उड़ता रहा। फिर उसे रोशनी की एक लकीर झिलमिलाती सी दिखी, फिर चुपचाप अंदर घुस गया। पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। थोड़ी देर तो बरामदे में घूमता रहा, फिर उसे रोशनी दिखाई दी, वो चुपचाप उसके अंदर घुस गया। इधर दादा दादी खर्राटे भर रहे थे, उधर एक अजनबी जमीन पर बैठा टॉर्च की रोशनी में सूटकेस से कुछ कर रहा था। यानी रात का समय था, दादा दादी खर्राटे भरे हुए थे, एक अजनबी आदमी जो था वो जमीन पर बैठा और टॉर्च की रोशनी में उसने सूटकेस खोल रखा था और पता नहीं कुछ कर रहा था वो। लालमन को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वह व्यक्ति। गंजू पटेल, उसने जोर से कहा। यानी उस लालमन नाम के तोते ने वही गंजू पटेल इतनी जोर से कहा, जो इतनी जोर से कहा कि वह आदमी जो है चौंक करके उछल पड़ा और दादा दादी भी जाग गए। जब वो तोता इतनी तेज चिल्लाया तो आदमी भी उछल गया और इस समय दादा दादी भी जाग गए। चोर चोर, दादी चिल्लाई। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक मीतू के पिता भी उठ चुके थे। माली और रसोईया भी, सबने मिलकर चोर को धर दबोचा। अब जैसे ही आवाज सुनी तो दादी भी उठ गई और दादी चिल्लाने लग गई, चोर चोर। चोर ने भागना भी चाहा, लेकिन तब तक मीतू के पिता भी आ गए, माली और रसोईया भी, तो सबने मिलकर के उस चोर को पकड़ लिया। बड़ा होशियार है ये तोता, दादी ने प्रशंसा की। अब उस चोर को पकड़वा दिया उस तोते ने, तो दादी उसकी प्रशंसा करने लगी कि बड़ा होशियार तोता है ये तो। पर आप तो इसे कहीं और भेज रही थी, माली बोला। माली ने क्या कहा कि इसे तो आप कहीं और भेज रही थी। बेवकूफ मत बनो, दादी बोली, आखिर तोता ही है, इसे क्या मालूम क्या बोल रहा है। मैं इसे बहुत जल्दी हरे राम हरे कृष्ण कहना सिखा दूंगी, देख लेना। अब दादी क्या बोली कि भी बेवकूफ मत बनो, है तो आखिर तोता ही, इसे क्या मालूम ये क्या बोल रहा है। इसे मैं जल्दी ही हरे राम हरे कृष्णा कहना सिखा दूंगी, ये जो बदतमीजी से बोल रहा है इसे मैं अच्छी बातें सिखा दूंगी। आप कितनी अच्छी हैं दादी, मीतू उनसे लिपट गई। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि लालमन बहुत होशियार है। अब मीतू भी खुश हो गई और दादी से लिपट गई। भाई मुझे तो पता था कि लालमन तोता जो है बहुत ही होशियार है, लालमन बोला। गधा, सब लोग हंसने लगे। अब लालमन नाम का जो वो तोता था वो जैसे ही गधा बोला सब लोग हंसने लग गए। तो बच्चों, ये पाठ समझ में आ गया होगा, और ये पाठ जो है स्वप्ना दत्ता की अंग्रेजी कहानी से अनुवादित की हुई है। धन्यवाद।